11th में चल गया। पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट किया है? हाँ, मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ है। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन? अभी तो मेरा क्लास ऑनलाइन ही हो रहा है। अभी लॉकडाउन के कारण सब क्लास बंद है। कौन सा विषय लिए हो? अभी तो हम साइंस लिए हुए हैं। साइंस में कौन सा विषय? बायोलॉजी लिए हैं, उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी लिए हुए हैं। तो रुको रुको, मैं भी आ रहा। अच्छा, क्या चल रहा है? अभी ऐसे ही बात चल रही थी पढ़ाई के बारे में। साइंस जी पूछ रहा था हमसे कौन विषय लिए हैं। अच्छा, तो क्या लिए हो? तो हम तो लिए हैं बायोलॉजी। साइंस में बायोलॉजी? हाँ, साइंस से लिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, तुम क्या लिए हो? हम भी वही लिए हैं, साइंस में बायोलॉजी और उसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स भी लिए हैं। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा था? अभी ऐसे ही पढ़ाई के बारे में चल रहा था। पूछ रहा था कि फिजिक्स में कहाँ तक पढ़े हो। तो मैंने तो बोला लेसन अध्याय 2 तक पढ़ चुका हूँ, मापक एवं मात्रक। अच्छा, अभी ऐसे क्या कुछ डिस्कस हो रहा था? हाँ, क्या? ऐसे न्यूटन का पहला गति नियम बारे में बात हो रहा था। ओ, ये तो मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे भी पता है। ठीक है, तुम कौन विषय लिए हो? मैं भी साइंस में बायोलॉजी लिया हूँ। अच्छा ठीक है, न्यूटन का पहला गति नियम और उसके उदाहरण बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बताओ तो। न्यूटन का पहला गति नियम है, अगर कोई वस्तु स्थित अवस्था में तो वह तब तक स्थित अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और इसका उदाहरण मैं चलो करके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी देखो ये साइकिल तो स्थित अवस्था में है। ठीक है, अगर मैं इस पर बल लगाऊँ तो भी ये मूव होगा। क्या तुमने देखा? मैंने देखा क्या? देखो मैं बताता हूँ कि मैंने जब बल लगाया तो साइकिल आगे बढ़ी, और फिर से बल लगा के ब्रेक मारा तो साइकिल रुक गई। तो इससे हमें यह पता चलती है कि अगर कोई वस्तु स्थित अवस्था में है तो वह तब तक स्थित अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना जाए। और मैंने यह मूव किया तो यह गति की अवस्था में मैंने इसको लाया और फिर ब्रेक मारा तो यह रुक गया। पहला नियम तो बता दिया। अच्छा छोड़ो, उसका क्या तुमको याद है? अरे अच्छा ठीक है राजीव, क्या तुम्हें दूसरा नहीं याद है? मुझे भी याद नहीं है, मैं उसका एग्जाम्पल हम करके दिखा सकते हैं। तो चलो ना दिखाओ एग्जाम्पल। यार ढूंढ रहे हो यार, चलो कहाँ ले जा रहा है? तो हम ऊपर की दिशा में फेंकते हैं, तुम इसको कैच लेना। ठीक है। मैंने तो बॉल ऊपर की ओर फेंका, तुमने क्या किया? मैं जब बॉल ऊपर आ रहा था तो मैंने कैच करने के लिए अपना हाथ पीछे खींचा। यही है न्यूटन का दूसरा गति नियम का उदाहरण। हाँ अच्छा, बस दे दो। हेलो भाई, अपना बॉल दे दो। तो अच्छा था, पुश कर। क्या तुम न्यूटन का तीसरा गति नियम बता सकते हो? हाँ, हमको याद है। अच्छा बताओ। हर एक क्रिया की अपनी प्रतिक्रिया होती है। और इसका उदाहरण बता सकते हो? हाँ, उदाहरण देखो मेरा। हाँ क्या? ये भी सफेद है? हाँ सफेद है। अरे ये तो लाल हो रहा है। यही प्रतिक्रिया, इसे ही उदाहरण का न्यूटन का तीसरा गति। ओ अच्छा, तुमने एक प्रतिक्रिया की तो ब्लड ने दूसरी प्रतिक्रिया की। हाँ सफ़ेद था, अब लाल हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा राजीव, क्या घर्षण बल बता सकते हो क्या है? हाँ मैं बता सकता हूँ। बताओ।
जो वस्तु को गति कराई जाती है उसमें लगाए गए बल को घर्षण बल कहते हैं। अच्छा पुष्कर, क्या तुम इसका उदाहरण दे सकते हो? अच्छा जो हम तुमको बताते हैं, अभी जो हम वहाँ से दौड़ कर आ रहे थे वही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या तुम इसे समझा सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। जब हम दौड़ के आ रहे थे तो हम अपना पैर आगे दे रहे थे और अपने फोर्स को आगे की तरफ ला रहे थे, धक्का दे रहे थे पीछे की तरफ, पीछे की तरफ धक्का दे रहे थे, तो वो उसमें घर्षण लग रहा था। पर पुष्कर ने तो बता दिया। राजीव, क्या तुम इसका दूसरा एग्जांपल दे सकते हो? क्या तुम बता सकते हो और भी? हाँ मेरे पास तो है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ। भाई ये क्या लाए हो? इसमें बल लगा रहे हैं। हाँ? इसके इसमें क्या हो रहा है पता है? इसमें तो घिस घिस की आवाज आ रही है। हाँ, इसी को घर्षण बल हम कहते हैं। अच्छा अच्छा है, चलो आ जाओ, मैं जाऊँ पकड़ू। नहीं हो रहा।